हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। इस वीडियो में हम एक टाइट फिटिंग स्लिम फिट नो प्लीट विदाउट प्लीट पैंट कटिंग करेंगे, जिसका मेजरमेंट है लंबाई 40 इंच, कमर 35.5 इंच, हिप 39.5 इंच, घुटना है 18 इंच, मोरी है 15 इंच और राइज है फ्लाई 9.5 इंच। कपड़ा लिया है हमने 120। कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है, सीधा वाला अंदर है और उल्टा वाला ऊपर। यहाँ ऊपर से कपड़े को स्ट्रेट करना है, एक सीधा मार्क लगाना है। अब इस वाले मार्क में मेजरमेंट टेप को 1 इंच ऐसे निकाल के रखना है। 1.5 इंच ब्रॉड बेल्ट आएगा, बेल्ट का जो चौड़ाई रहेगा वो 1.5 इंच रहेगा, इसलिए 1 इंच इस वाले मार्क पे ऐसे निकाल के रखना है। लंबाई है 40 इंच, 40 इंच पे मार्क लगाएंगे और तुरपाई के लिए हेमिंग करने के लिए 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, 2.5 इंच मार्जिन। अब नी का सेंटर लगाएंगे, घुटना का सेंटर, तो लंबाई है 40, 40 का आधा करेंगे 20 इंच और 2 इंच प्लस करके 22 इंच पे घुटना का सेंटर लगाएंगे, नी सेंटर। अब मेजरमेंट टेप को ऐसे नीचे कर लेंगे, इस वाले मार्क पे ऐसे कर लेंगे और जो इसका फ्लाई का मेजरमेंट है राइज का वो 9.5 इंच है, ये 9.5 इंच ऐसे मार्क लगा लेंगे। अब ये सभी मार्क स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से एक मार्क लगाना है 1/2 इंच, आधा इंच पे ऐसे मार्क लगा लेना है, आधा इंच कपड़ा छोड़कर इधर से यहाँ से हिप का चौथा हिस्सा करना है। हिप है 39.5 इंच, चौथा हिस्सा 10 इंची में एक सूत कम, ये देखो ये हिप का चौथा हिस्सा, और यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच प्लस कर लेना है, ये 2.5 इंच हिप का चौथा हिस्सा करके 2.5 इंच बढ़ा देना है। अब यहाँ से इसको हाफ़ कर देना है, ठीक है, इसका एक 20 सेंटर लगा लेना है, ये इसका 20 सेंटर हो गया। अब इस वाले मार्क को और ये जो किनारी पीस से स्ट्रेट कर लेना है, ऊपर से नीचे तक एकदम सीधा मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसका मोरी है 15 इंच, 15 का आधा करेंगे 7.5 और 7.5 का आधा करेंगे 4.25 इंच, तो 4.25 इंच इधर से लगाएंगे और 4.25 इंच इधर लगाएंगे, तो ये होगा 7.5 इंच, 15 का आधा 7.5, जितना भी मोरी है उसको चौथा हिस्सा करके इस तरफ लगा लेना है और इस तरफ लगा लेना है, यानी यहाँ टोटल जो है हाफ आना चाहिए मोरी का हाफ, तो मोरी 15 है उसका आधा 7.5। सेम ऐसे ही यहाँ घुटना का मार्क लगाएंगे नी का, तो घुटना का मेजरमेंट है 18 इंच, 18 का आधा करेंगे 9 इंच और 9 का आधा करेंगे 4.5, 4.5 यहाँ से इधर लगाएंगे और 4.5 इधर लगाएंगे, ये 9 इंच, घुटना का आधा 9। और अब यहाँ से इस तीनों मार्क में स्केल को ऐसे बैठाकर यहाँ से 2 सूत ऐसे वी कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इससे क्या होगा जब हम हेमिंग करेंगे, तुरपाई करेंगे तो फिनिशिंग के साथ होगा, तो मोरी जो है वो अच्छे से बैठेगा, तुरपाई करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सेम इसी तरह इस तीनों मार्क में स्केल को मैच करके बैठा लेना है, ऊपर नीचे करके देख लेना है स्केल को ये कैसे बैठेगा, वैसे ही स्केल को बैठा कर ऐसे मार्क लगा लेना है, यहाँ भी 2 सूत ऐसे वी। और अब आना है यहाँ, यहाँ से 1.5 इंच अंदर एक मार्क लगाना है, ये जिप एंड फ्लाई का, जिपर फ्लाई का मार्क है, यहाँ से 1.5 इंच अंदर
अब इस वाले मार्क को, ये वाला जो स्ट्रेट मार्क है, इसको मेजरमेंट करना है। ये 4.5 इंच है, तो यहाँ भी 4.5 ऐसे रखेंगे और यहाँ से 1 इंच इसमें माइनस कर देंगे, 1 इंच माइनस। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, यहाँ से इसको ऐसे गोलाई कर देना है। अब यहाँ से हिप का मार्क करेंगे, तो हिप का मेजरमेंट है 39.5। 39.5 का चौथा हिस्सा करेंगे, ये 10 में 1 सूत कम, और यहाँ से 1.25 इंच सिलाई के लिए मार्जिन दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, 1-1 सेंटीमीटर का मार्जिन। हिप का चौथा हिस्सा करके 1.25 इंच सिलाई के लिए मार्जिन दोनों साइड के लिए। अब क्या करना है, देखो यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे, ठीक है, ये 3-4 डाउन, और अब यहाँ से कमर का मार्क लगाएंगे। कमर का चौथा हिस्सा करना है और सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है, तो कमर का मेजरमेंट है 35.5। 35.5 का चौथा हिस्सा करेंगे, 9 में 1 सूत कम, और यहाँ से सिलाई के लिए 1 इंच मार्जिन। ये मार्जिन आप 1.25 इंच भी लगा सकते हो, 0.25 से 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लगाना है। जितना हम सिलाई का मार्जिन देंगे उतना दोनों तरफ सिलाई में दबाना है, तो कम से कम 0.25 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब देखो यहाँ से 2 सूत अंदर ऐसे मार्क लगाकर, और यहाँ से इसको ऐसे मार्क लगा देना है। यहाँ बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, नहीं तो पॉकेट के पास फूलेगा, अल्ट्रासाउंड आ जाएगा, इसलिए यहाँ शेप ज़्यादा नहीं देना है। अब यहाँ से हम क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे, तो यहाँ से मार्क लगाएंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, और यहाँ से मार्क लगाएंगे 0.75 इंच। तो फ्रंट का मार्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग करेंगे। अगर दोस्तों आपको कोट का फर्मा या पैटर्न परचेस करना है, खरीदना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7975798748। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करके या फिर मैसेज करके आपको जिस चीज़ का भी फर्मा चाहिए, पैटर्न चाहिए, वो आप परचेस कर सकते हो, अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हो मेरा पैटर्न IRF स्टूडियो चैनल से। अब इसको हम कट करते हैं। तो ये फ्रंट कट हो चुका है, अब हम बैक कट करेंगे। बैक कट करने के लिए इस कपड़े को ऐसे पलट लेना है। यहाँ नीचे से 2 सूत ऊपर रखना है फ्रंट को, और यहाँ से 0.5 इंच कपड़ा छोड़कर रखना है। एक बार इसको यहाँ से मेजरमेंट करके देख लेंगे, ये वाला जो मार्क है इसको मेजरमेंट करेंगे, ये 11.25 है, यहाँ से भी 11.25 और यहाँ से भी 11.25। अब क्या करना है, देखो यहाँ से 0.5 इंच, 0.5 इंच यहाँ से ऐसे डाउन कर देना है, यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है सीधा, और यहाँ से 0.5 इंच, 0.5 इंच ऐसे मार्क लगाकर शेप स्केल से ऐसे मिला देना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ हिप में
यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है और इस तरफ से भी सिलाई का कपड़ा छोड़कर इसको ऐसे फोल्ड करना है मेज़रमेंट टेप को। यहाँ हिप का हाफ करेंगे, हिप का आधा, तो हिप का मेज़रमेंट है 39.5। 39.5 का आधा करेंगे 20.25 इंच, ये 20.25, और आधा इंच का लूजिंग, हिप का हाफ करके 1/2 इंच लूजिंग। अब यहाँ से ऊपर उठाएंगे, तो यहाँ से ऊपर उठाएंगे 2 इंच। यहाँ से कमर का 1/4 हिस्सा करेंगे और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। तो कमर है 35.5, 35.5 का 1/4 हिस्सा, 9 में 1 सूत कम और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन, और 1 इंच यहाँ से डांट के लिए मार्जिन टेकिंग के लिए, और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से हिप का 8वां हिस्सा रखना है, तो ये 8वां हिस्सा हो गया और 1/2 इंच कम कर देना है, 1/2 इंच माइनस, हिप का 8वां हिस्सा यहाँ से करके 1/2 इंच माइनस कर देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी यहाँ से हम ऐसे मार्क लगा लेते हैं। अब यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंच, 1.5 इंच, और यहाँ से लगाना है 1.25 इंच। 1.5 इंच लगाओगे भी तो चलेगा, 1.5 से 1.25 इंच यहाँ मार्क लगा लेना है, हमने यहाँ 1.25 इंच मार्क लगाया है। अब क्या करना है, देखो इस शेप स्केल से इस मार्क को, इस मार्क को और इस वाले मार्क को स्केल को ऐसे मैच करके बैठा लेना है, ये जैसे बैठेगा वैसे मार्क लगा लेना है। यहाँ से 2 सूत ऐसे भी कर देना है। इसको जो हम कटिंग करेंगे यहाँ से 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के कट कर लेंगे। अब यहाँ बैक पॉकेट का मार्क लगाना है, हिप पॉकेट का मार्क, तो हिप पॉकेट के लिए ऊपर से डाउन करेंगे 3.5 इंच, यहाँ साइड से 2 इंच का डिस्टेंस पॉकेट बनाएंगे, इसमें हम 5 इंच का, आप 5.25 इंच भी बना सकते हो, 35 में हम 5 इंच का बना रहे हैं, हमको ज़्यादा बड़ा पॉकेट नहीं चाहिए, 35.5 कमर है, हमने 5 इंच का पॉकेट बनाया है, आप इसको 5.25 भी बना सकते हो। इसका 1/2 कर देंगे, यहाँ ऊपर से भी 3.5 इंच डाउन। अब यहाँ हमने 1 इंच टेकिंग का मार्जिन रखा है, तो इस 1 इंच को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, दोनों तरफ 1/2 इंच। पैंट का पूरा मार्क कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम कट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।